डरावनी है आकाश गंगा की रोशनी, नजारा देख खड़े हो जाएंगे आपके कान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आकाश गंगाओं के समूह में बिखरे हुए तारों की डरावनी रोशनी वाली एक तस्वीर जारी की है। यह डरावनी रोशनी पेंडोरा कस्टम से उजागर हो रही है। हालांकि यह तारे किसी आकाश गंगा के नहीं बल्कि पूरी जगह के आज़ाद है और पेंडोरा क्लस्टर में भ्रमण कर रहे हैं। अनंत रहस्यों से भरे हुए ब्रह्मांड में कुछ ही रहस्यों से वैज्ञानिक अब तक पता उठा पाए हैं और साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष के प्रति लोगों की समझ को भी विकसित किया है। हालांकि ब्रह्मांड हमारी कल्पनाओं से भी परे है। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप सहित अन्य टेलीस्कोप की मदद से डीप स्पेस में जाने की कोशिश की है और कई अद्भुत नज़ारों का देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आकाशगंगा के समूह में मौजूद भटकते हुए तारों के लिए भूतिया रोशनी की अनोखी तस्वीर जारी की है। इस अनोखे नज़ारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर किया है। बकोल नासा पृथ्वी से लगभग 4000 प्रकाश वर्ष और 500 आकाशगंगा का एक विशाल समूह है जिसे पेंडोरा क्लस्टर कहा जाता है। इस समूह के भीतर भटकते हुए तारों की हल्की रोशनी डरावनी प्रतीत सी हो रही है। दिखाई दे रहे हैं आकाश गंगा का हिस्सा है बल्कि यह पूर्णतः आज़ाद है और समूह में मौजूद आकाश गंगाओं के बीच भ्रमण कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस तारों का किसी भी आकाश गंगा का वश नहीं है। बकोल नासा पेंडोला क्लस्टर में घूम रहे आज़ाद तारों की रोशनी का जब अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों के ऐसे साक्ष्य मिले जो बताते हैं कि 6 अरब वर्षों के दौरान क्लस्टर में 6 आकाश गंगाएं टूटकर बिखर गई है। वैज्ञानिकों को लंबे समय से यह सोचना था कि आकाश गंगाओं में अलग होने के बाद बिखरे हुए तारों से आने वाली रोशनी का पता लगा जा सकता है, लेकिन तारों की चमक बेहद ही फीकी है। ऐसे में इसे पहचानना भी किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि हबल स्पेस में इस रोशनी का अवलोकन किया है। भूतिया रोशनी के बारे में ज़्यादातर जानना आकाश गंगाओं के समूह के लिए विकास को समझने में एक अहम बढ़ता है दोस्तों और कदम भी है। बकोल नासा सैकड़ों आकाश गंगाएं नीले तारों की रोशनी से सरोवर है। कुछ आकाश गंगाएं दूसरी आकाश गंगाओं की तुलना में ज़्यादा फोकस में है, जबकि कुछ की सर्पिल भुजाएँ दिखाई दे रही है और कुछ धुंधी धब्बो जैसी है। हालाँकि तस्वीर के किनारों पर सुदूर अंतरिक्ष का अंधेरा दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि ये रंगीन रोशनी आप लोगों के समय को सबसे ज़्यादा उठा पाएगी दोस्तों, और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बेहद अनोखे गोलाकार क्लस्टर की तस्वीरें भी साझा की है। साथ में लगातार ब्रह्मांड के अद्भुत नज़ारों को हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। हाल ही में नासा ने 10 अरब साल पुराने गोलाकार क्लस्टर की आश्चर्यजनक तस्वीर भी भेजी है दोस्तों। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से जो देखा जाता है दोस्तों वो नरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नासा द्वारा समझाई गई गोलाकार क्लस्टर की तस्वीरें धातुओं की सांद्रता उल्लेखनीय रूप से अधिक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से भरपूर मौजूद है दोस्तों। आमतौर पर आप देख सकते हैं कि बदलाव हो रहा है और इनकी चमक लगभग 5000 साल या उससे अधिक समय में बदलती रहती है। साथ ही क्लस्टर में बाइनरी तारे भी मौजूद हैं जिनकी चमक दूसरे तारों से आसपास गुजरते हुए फीकी हो जाती है। टिप्पणियाँ ही नासा ने ही इस तरह की खोजें की है दोस्तों। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इस तरह की खोजें आप लोगों को पसंद आती है नहीं? चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन जरूर कीजिएगा।